नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। बड़ी संख्या के बीच दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे विपक्षी दलों के कई मुख्यमंत्री, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी हुए शामिल। बड़ी संख्या में उमड़ी जनसभा को किया संबोधित। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर बोला हमला, लगाए गंभीर आरोप, कहा कि बीजेपी षड्यंत्र रचकर गिरा रही है विपक्ष की सरकारें, ईमानदारी से सरकार चलाना हुआ मुश्किल। सीएम केजरीवाल ने कहा कि सभी राज्यों में निर्धारित है किस प्रदेश को कितनी धनराशि मिलनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार नहीं दे रही, अनेकों विपक्षी मुख्यमंत्री को धनराशि कर रही है शोषण। कहा कि विपक्ष को खत्म करना चाहती है बीजेपी, पहले भाजपा में शामिल होने का बनाती है दबाव और शामिल न होने पर बेवजह निर्दोष बड़े नेताओं और मंत्रियों को पकड़कर जेल भेज रही है बीजेपी। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि दिल्ली में बिजली और इलाज सभी के लिए मुफ्त है, तो वहीं यूपी एमपी और गुजरात में बिजली सबसे महंगी है, तो चोर कौन है जो बिजली और इलाज मुफ्त दे रहा है वो, या फिर वो। कहा कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का कर रही दुरुपयोग, बिना किसी सबूत के ईमानदार नेताओं पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर भेज रही है जेल, जबकि देश की 50% जनता विपक्ष को चुनी है मुख्यमंत्री। झारखंड के मुख्यमंत्री को बेगुनाह पकड़कर भेजा जेल, नहीं मिले हैं कोई सबूत, जेल में 24 घंटे बीजेपी में शामिल होने का बनाते रहे दबाव, फिर भी नहीं टूटे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या के बीच प्रदेशों के कई मुख्यमंत्री दे रहे धरना, आगे क्या कुछ कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, आइए सुनते हैं उनका संबोधन। चंद्रकांत पांडे की रिपोर्ट। तय कर लेते हैं कि इसको जेल भेजना है तो उसको पकड़ लेते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं, फिर सोचते हैं अब इस पे क्या मुकदमा करें, इस पे क्या केस बनाएं, फिर ये केस बनाते हैं और केस बनाने के बाद फिर वो तब तक जेल में रहता है जब तक कि मुकदमा पूरा ना हो जाए और वो निर्दोष साबित ना हो जाए। हमारे देश के अंदर 15-15 साल लग जाते हैं मुकदमे पूरे होने में, तो 15-15 साल किसी को भी पकड़ के जेल, या भी पीएमएलए जो कानून लेके आए उसमें ही लिखा है कि जब तक उस आदमी को किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो और जब तक उस आदमी का मुकदमा पूरा नहीं हो जाता, वो निर्दोष साबित नहीं हो जाता, तब तक वो जेल से बाहर नहीं आएगा। ये तो बहुत खतरनाक है। अभी हेमंत सोरेन साहब को इन्होंने जेल में डाल दिया, अभी तक उनके ऊपर कुछ भी साबित नहीं हुआ है, अभी उनके ऊपर मुकदमा नहीं चला है, अभी मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ है, अभी जांच चल रही है, लेकिन अगर मुकदमे को 15 साल लगे तो हेमंत सोरेन साहब 15 साल जेल में रहेंगे। और ये तो किसी को भी कर दें, कल मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे, विजयन साहब को पकड़ के जेल में डाल देंगे, स्टेलिन साहब को पकड़ के जेल में डाल देंगे, सीतारामैया साहब को पकड़ के जेल में डाल देंगे, सुखविंदर जी को, किसी भी को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे और सरकार गिरा देंगे। हेमंत सोरेन साहब को जेल में डाला, उसके बाद 48 घंटे तक ये लोग तोड़ने की कोशिश करते रहे, जेएमएम को तोड़ देते हैं, ये तो भगवान का भला और जेएमएम वालों का महान है, जेएमएम वाले जो टूटे नहीं इनके सामने, तो ये अब ये किसी भी को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे, उसकी सरकार तोड़ देंगे और फिर अपनी सरकार बना लेंगे। ये क्या है, ये क्या चल रहा है? कह रहे हैं केजरीवाल भ्रष्ट है। मैं पूछना चाहता हूं, मैंने दिल्ली में बिजली सस्ती, बिजली फ्री कर दी दिल्ली के अंदर, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली मिल रही है देश में, तो बिजली फ्री करने वाला चोर है कि बिजली महंगी करने वाला चोर है? दिल्ली में मैंने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सरकारी अस्पताल में चले जाओ सबका दवा दारू सब फ्री, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में चले जाओ, इतना महंगा इलाज सरकारी अस्पतालों का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों को। मैं पूछ रहा हूं, लोगों का इलाज फ्री करने वाला चोर है कि लोगों का इलाज महंगा करने वाला चोर है? किसी को भी पकड़ के चोर 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 चिल्लाना चालू कर देते हैं लोग। तो दोस्तों, देश का बहुत बुरा हाल है। मैं विजयन साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने आज ये अलख जगाई है, सबको इकट्ठा किया है। ये देश केवल हमारा नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। और आज मैं बीजेपी वालों को कहना भी चाहता हूं, समय का चक्र घूमता है, समय बड़ा बलवान है, अहंकार मत करो, भगवान ना करे कल समय का चक्र जब घूमेगा और तुम इधर होगे और हम उधर होएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि यही कानून तुमको खाने के लिए दौड़े उसके बाद। जय हिंद। थैंक यू केजरीवाल जी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार,